से बजे सुबह का भी 7:30 बज चुका है, बज चुका है। मेरा काम खत्म हो गया, नहा करके पूजा करके बैठे थे, बैठते बैठते फिर नींद आया। थोड़ा जल्दी जग गए थे ना 3:30 बजे, इसलिए नींद आया। रात को 11 बजे सोए, सुबह 3:30 बजे जगे, नींद आया। तो पूजा करके नहा लिए, पूजा कर लिए ना, इसीलिए नहाने के बाद थोड़ा नींद आ गया था। पूजा करके नहाने से थोड़ा शरीर आराम हो जाता, गर्मी का दिन में सो गए थे, अभी जागे जा रहे। नाश्ता से बनाएंगे, काबुली चना का सब्जी बना लिए हैं, इधर सूखा रोटी भी बना लिए हैं और पराठा भी बना लिए। अब एक पीस है बनने के लिए और एक पीस है बना लेंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे। नाश्ता कर ले, नाश्ता बोला बर्तन नहीं धोए हैं, ऊपर थोड़ा छत का ऊपर चले आए हैं साग तोड़ने के लिए। थोड़ा सा मार्केट का साग है और घर का थोड़ा सा सोचे तोड़ देंगे तो मिला देंगे। मार्केट का नहीं, दीदी का घर से जो साग आया था वही थोड़ा सा है, उसका साथ ये मिला देंगे तो हो जाएगा। इसीलिए यहाँ से थोड़ा तोड़नी है और वहाँ घर में थोड़ा सा। बहुत धूप है बापरे है और साग तोड़ने मन नहीं किया क्योंकि इतना गर्मी, पूरा पसीना पसीना हो गए हैं और धूप इतना तेज धूप नहीं है, जितना है उतना ही काफी, मतलब आदमियों को मार देगा। कांठाल जो लाए थे पक्का वाला कांठाल फ्रेंड को दे दिया बेटा, बताए थे उस दिन कच्चा वाला घर में था, उसको थोड़ा धूप में दे देने बोली। मेरा दीदी बोली धूप में थोड़ा दे दो पक जाएगा, इसीलिए धूप में थोड़ा दिए। बेटी को बहुत खाने मन, तो इसीलिए हम सोचे धूप में वही ला के दी, धूप में दे दिए। धूप में देने से पकता बोल के मेरा दीदी को बोलती है, इसीलिए दे दिए। छत के ऊपर से नीचे आएंगे, बेटी बोली मम्मी नीचे चलिए और फैन का हवा भी खाएंगे, हम बर्तन धोते रहेंगे, आप साग चुनते रहिए। नीचे आए तो पावर कट गया, हम लोग का हाल देखिए जैसे पानी पूरा टपक रहा है, पूरा पसीना, इतना पसीना। सब्जी बन के तैयार हो गया, चावल चढ़ाए हैं, बेटी नहाने गई है, आलू मछली देखे, कढ़ी पोस्तो देखे, कढ़ी बनाए हैं, कलमी शक का फ्राई किए हैं और मूंगफली बीजा का फ्राई करके चटनी बनाए हैं। आज का मेनू यही है, उधर चावल चढ़ाए हैं। छत के ऊपर धूप में जो कटहल नहीं दिए थे, सही से कटहल पक गया है, कल सुबह उसको मतलब तोड़ेंगे, तोड़ के उसका अंदर से कटहल निकालेंगे, पक गया है। हाथ में जैसे अंगुली दे के दबाए ना तो थोड़ा नरम हो गया है, सॉफ्ट हो गया है, मतलब पकने लगा है। धूप में काल भी दी थी बेटी, आज भी दी थी, कुर्सी एक ठो लगा देती कुर्सी में मोहिए कटहल को दे देती है। काल कटहल को देने के बाद ला करके नीचे गिरा भी दी थी, बोले मम्मी पक जाएगा, कब पकेगा, ज़्यादा तो नहीं खाएगा, 2-3 पीस खाएगा, लेकिन खाने को मन है। हम कटहल का पीठा भी बनाते हैं, हो सकता तो बनाएंगे, आप लोग को दिखाएंगे। क्योंकि कमर में जो दर्द है ना, अभी भी दवा खा रहे हैं, अभी तुरंत दवा खाएं, अभी रात को 11 बजा है। ये डिनर किए, डिनर करने के फ्रेंड का घर गए थे, वहाँ बैठे थोड़ा देर, फिर आए, फिर डिनर बनाए, खाए, बर्तन धो करके थोड़ा आप लोग से बात करना भी। फ्रेंड का घर दो, वहाँ से आने के बाद, दीदी का घर से आने के बाद 2 दिन गए थे। थोड़ा जाते हैं थोड़ा थोड़ा बढ़ते, मेरा फ्रेंड बोली ना आप आते हैं बैठते नहीं, तुरंत भाग जाते, इसीलिए ना आज थोड़ा देर बैठे हैं। वो जितना भी बैठे हैं फिर बोलती हैं बैठिए ना, उनका पास टाइम अब 9-10-12 बजा दीजिए, अब फिर बैठिए करते, इसीलिए बैठे थे। बेटी उस मेरा दीदी का बेटा का लिए रो रही थी, तो समझा रही थी जो चले गई वो चले गया, वो नहीं आएगा, जान दे देने से भी वो नहीं आएगा, वही समझा रही थी। बेटी को फिर चिप्स बिस्किट ये सब खिलाए, मेरे को भी बिस्कुट खिलाते, हम नहीं खाने को मन नहीं था तभी ले लिया।
फिर थोड़ा देर बैठे वहाँ बात उत करें, बात करने का बाद मेरा फ्रेंड बोल रही थी पूरी जाइएगा, हम बोले हाँ जाएंगे पूरी, देखते हैं हम पूरे जाएंगे तो बात करेंगे। उनका मम्मी पापा हमेशा जाते रहते हैं ना, बोले मम्मी उनका तो दुकान है ना, हस्बैंड नहीं जा सकेंगे, उनका बेटा और वो और उनका मम्मी पापा हम मेरा बेटी जाएंगे बोलने, देखते हैं उधर से मेरा वही दीदी को ले जाएंगे, जाएगी तो दीदी तो मंदिर नहीं जा सकेगा ना। हम लोग में रीति रिवाज है जैसा डेट होता घर में कोई ना, तब एक साल तक तो पूजा नहीं होता, कोई मंदिर भी नहीं जाते, इसीलिए मेरा दीदी का घर में कोई भी मंदिर में नहीं जाएंगे, पूजा वूजा नहीं होगा, इसीलिए मेरा बेटी बोल रही थी ये मौसी को भी ले जाएंगे, मौसी नहीं माँ बोलती है लोग, मेरा बच्चा लोग माँ बोलता है उसको, और उनका बच्चा लो मेरा दीदी का बच्चा लो मेरे को मौसी बोलती है, तो मौसी को भी ले जाएंगे। हम बोले ठीक है। आज बहुत गर्मी है, हवा दिया जिससे लगा बारिश होगा, बोल के नहीं हुआ, मेरा दीदी लोग का तरफ बारिश हुआ, बोले बारिश और हवा झड़ तूफान हुआ तरह हुआ हुआ हम नहीं, लेकिन हम सोचे अभी होगा शायद थोड़ा हवा दे रहा था लेकिन बारिश नहीं हुआ, बहुत गर्मी लग रहा उसका बीच में अभी अब लोग से बात करते करते पावर भी कट गया था, बहुत पावर कट रहा हूँ आजकल गर्मी में, पता नहीं ठंडी में बिल्कुल पावर नहीं कटता, हम लोग सोचते उस टाइम क्यों नहीं पावर कटता है, अभी गर्मी में बहुत पावर कटता है। सोचे थे छत का ऊपर चलेंगे, पेड़ सब में पानी देंगे, टब सब में, टब में जो फूल पेड़ है, इधर फ्रेंड के घर से आने में थोड़ा लेट हो गया, इधर काम करते करते डिनर बर्तन ये सब करते करते लेट हो गया, छत का ऊपर जाके पानी नहीं दे सके, हम सोचे बारिश भी हो जाएगा तो ठीक होगा, बारिश भी नहीं हुआ, बहुत धूप है और ऊपर से मिट्टी में आप पानी नहीं भी दीजिए उसको खाना मिल जाता है, पानी भी मिल जाता है, टॉप में कहाँ से मिलेगा, टॉप छोटा सा है, सुबह पानी दीजिए तो शाम को जैसे सूख जाता है। हम जाएंगे बोले, बेटी भी बोली जाएगी, फिर हम लोग का काम में रह गया ना इसीलिए हम लोग नहीं जा पाए। आज का ब्लॉग इन करते हैं, कल न्यू ब्लॉग में फिर आप लोग से मिलेंगे, खुश रहिए अच्छा से रहिए, मेरा ब्लॉग जरूर देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, गुड नाइट बाय।